Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा, आपको अपने नशाई किचन में कहती हूँ वेलकम। तो आज हमारे किचन में बन रहा है फ्राई मटन। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसे नोट डाउन कर लेते हैं। ये मेरे पास मटन है, ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, धनिया और पुदीना, इसकी मैंने पेस्ट बना ली है। ये मेरे पास एक प्याली दही की है, ये गाढ़ा वाला दही है, इसको पानी नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास आधा प्याली ऑयल की है, ज़रूरत होगी तो और डाल लेंगे। मसालों में ये है ज़ीरा, बादियान का फूल, काली मिर्ची, ये है जयवत्री और काली इलायची जो बड़ी वाली होती है उसका पाउडर, रेड चिली पाउडर, कुटी हुई मिर्ची, ये आपको जो दिख रही है ये है इलायची छोटी वाली, इसी के साथ थोड़े से लौंग है, ये जायफल का एक टुकड़ा है, ये सिनेमन स्टिक है, ये कड़ी पत्ता, हल्दी, साबुत धनिया, ये है येलो फूड कलर और ये थोड़ा सा सिट्रिक एसिड हम यूज़ करेंगे और ये है नमक। अब इन तमाम मसालों को हम मिक्सी में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारे फ्राई गोश्त का मसाला रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ मेरा रेसिपी शुरू करते हैं। तमाम मसाले जो है वो ग्राइंडर के जार में डाल लिए, अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, फिर मैं आपको दिखाई, देख लीजिए तमाम मसाला पीस के एक पाउडर फॉर्म में आ गया। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको एक चक्कर दिलाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ मटन को जो मैंने प्रेशर कुकर में डाला, प्रेशर कुकर में डालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो लहसुन, अदरक, मिर्ची, धनिया और पुदीने का मैंने पेस्ट तैयार किया था उसको इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ मैंने इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक की पेस्ट डाल दी। अब हम इसमें अपने वो मसाले डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें सारे मसाला डालेंगे, अच्छे से हिलाएंगे और इसमें दो ग्लास पानी डाल के हम इसको प्रेशर कुकर के दो विजल देंगे कि ये गल जाए, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। मटन में तमाम मसाले डालने के बाद मैंने इसमें दो प्याली पानी डाला है, अब हम इसको प्रेशर कुकर को लगाएंगे दो विजल तक ताकि मटन जो है हमारा गल जाए। आप अपने हिसाब से विजल लगाइएगा, अगर आप जहाँ से मटन बाय करते हैं जल्दी गलता है तो बस फिर एक विजल ही बहुत होगा, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो मटन जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गल चुका है, अब हम इसको खुले मुँह के बर्तन में डालेंगे, फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ अब हम इस बर्तन में ऑयल डालेंगे, ऑयल, घी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। जैसे ही हीट अप होगा इसमें हम अपना मटन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ ऑयल डालेंगे, अब हम मटन जो है तेज़ आँच पर भून लेंगे। मैं इसमें आधा चम्मच जो है वो देसी गरम मसाला डालूंगी। मटन जो है हमारा अच्छे से गला हुआ है, आँच में जो वो अच्छे से गले भूनेंगे। मैंने रंग की बरकत के साथ ये देखिए मटन को जिस पानी में हमने बॉईल किया था वो हार्डली आधी प्याली रह चुका था। 5 मिनट तेज़ आंच पे ऑयल में भूनने के बाद मैंने वो लिक्विड जो इसका यखनी बनी थी वो भी इसमें डाल दी। अब मज़ीद इसे 5 मिनट भूनेंगे, जैसे ही पानी अच्छे से खुश्क होगा फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। इसमें लगभग 5 मिनट की बर्तन के साथ पानी जो है सारा मटन में से अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये अपना दही डालेंगे। जब हम इस स्टेज पे इसमें दही शामिल करेंगे तो वो पानी नहीं छोड़ेगा बल्कि मसाले की शक्ल इख्तियार कर लेगा। दही डालने के बाद हम इसको 15-20 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि ये एक तरह से मटन मसाला बना रहे हैं हम लोग, तो इसमें मसाला भी रहेगा, मटन गल भी जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। जैसे ही इस पर ऑयल आना शुरू हो जाएगा फिर हम इसको दम देंगे, अभी इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। मटन की बरकत के साथ आप देख सकते हैं कि मटन हमारा जो है वो भून रहा है और इस पर ऑयल आना शुरू हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा जिंजर डालूंगी कटा हुआ, अभी इसे 5 मिनट और भूनेंगे, उस
इसके बाद इसे दम पे दूंगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। रहमान रहीम की बरकत के साथ मटन जो हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसे 10 मिनट दम देंगे और दम देने के बाद डिश आउट करेंगे और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ हमारा मटन मसाला रेडी हो चुका है, मैंने डिश आउट भी कर दी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।